प्रदोष के समय पर, उससे पहले लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर निकलती। शिव भ्रमण कर जब वापिस सजाते हैं, हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष की जो गणना वराह पुराण में करी गई है, 4 बजे से 7 बजे तक शिव के भ्रमण का समय बताया है शाम को। तो 7 बजे से लेकर फिर रात्रि 9 बजे तक लक्ष्मी और दरिद्रता फिर भ्रमण पर जाती। इनका एक समय निश्चित है महाराज। भ्रमण कर आ जाना। अब इस बीच में जब लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों निकल कर जा रही हैं, तो दोनों एक भाव रख कर जाती हैं कि आज हमको कहां प्रवेश करना। आज हमें किस जगह पर प्रवेश करना है, आज हमें कहां पहुंचना है, आज हमें किस जगह जाना है। और जिस नगर में, जिस मार्ग से लक्ष्मी और दरिद्रता निकल कर जाती है, ये दोनों का जब निकलना होता है, इनको स्थान दिया गया जहां पर स्वच्छता हो, घर के दरवाजे पर रंगोली डली हुई हो, द्वार पर जल छीटा गया हो। महाराज, उस द्वार पर लक्ष्मी प्रवेश करती है तो दरिद्रता भी जाने लगती है अंदर। जब दरिद्रता अंदर जाने लगती है तो लक्ष्मी उसको रोक देती है, पहले मैं देखकर आती हूं कि तेरे लिए स्थान है कि नहीं, तू यहां रुक। कुछ देर तक दरिद्रता बाहर खड़ी रहती है और लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जब दरिद्रता बार बार अंदर जाने का प्रयास करती है तो लक्ष्मी जी कहती हैं, जी जी तू इतनी बड़ी होकर, तुझे मालूम है तू, तेरा सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, और तू अंदर चली जा और कोई तेरा सम्मान ना करे तो कितना बुरा लगेगा, इसलिए तू बाहर खड़ी रह, मैं अभी आई। अंदर जाती है और जब लक्ष्मी जी भ्रमण कर लेती हैं, अंदर प्रवेश कर आती हैं, और प्रवेश कर आती हैं तो दरिद्रता